सो हाय, हेलो, वेलकम. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे. और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे और दो चैनल्स हैं, तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दोनों चैनल्स की लिंक मिल जाएगी, या फिर इस चैनल के होम पेज पे भी आपको दोनों चैनल की लिंक्स मिल जाएगी. तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, जो थर्ड चैनल मैंने बनाया है उस पर 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, या 500 सब्सक्राइबर्स तो अभी कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ पे, तो मैं शुरू कर दूंगी वहाँ पे पोस्ट करना. ओके, और मैं कुछ नए टॉपिक्स और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाने वाली हूँ दोनों भी चैनल पे, तो आप जल्दी से जाके दोनों भी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा. और आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, आपसे मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होती है, तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर पाते हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी क्लाइंट्स की बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपके लिए काम करती हैं. तो पर्सनल रीडिंग जो भी करवाना चाहता है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके, यस, तो यहाँ पे अभी तक हमने वाटर साइन और अर्थ साइन के अप्रैल 2020 के लव रीडिंग कवर की थी. ओके, कैसा जाएगा अप्रैल मंथ ओवरऑल. तो आज हम फायर साइंस यानी एरीज, लियो और सैज के देखेंगे कि उनका 2020 अप्रैल कैसा जाएगा, लव लाइफ के रिगार्डिंग देखेंगे. ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एरीज, लियो, सैज के लिए पाइल्स बना के रखे हैं. ओके, सो आपका जो भी सन साइन है आप डायरेक्टली उस पर स्किप कर सकते हो. टाइम स्टैम्प आपको हमेशा की तरह नीचे दिखाई देंगे. ओके, नीचे मैंने दिए होते हैं, तो उस पर जाके जंप कर स्किप कर सकते हो आप. ओके, सो यस, हाँ, और एक चीज़ मुझे बतानी थी बहुत इम्पॉर्टेंट. गाइज, आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करते हो, राइट? तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो. आपके लिए भले ही सिर्फ आपकी बुकिंग है, ओके, बट मेरे लिए यहाँ पे बहुत सारे बुकिंग्स होते हैं जो ओवरलोड हो जाता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो. कभी भी कोई चीज़ एकदम टाइम पे ही मिले ये ज़रूरी नहीं है. हाँ, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखोगी ना पर्सनल रीडिंग के लिए जो भी आता है मेरे पास, तो थोड़ा अच्छा होगा. ओके, मुझे बार बार मैसेज करके कि मेरी रीडिंग कल कब मिलेगी, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ. नहीं तो मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि पेशेंस होगा तो ही आप लोग मुझसे रीडिंग करवाए, क्योंकि आपके लिए भले ही सिर्फ एक रीडिंग है, आपकी रीडिंग है जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए हर एक क्लाइंट इम्पॉर्टेंट है, राइट? मुझे सबकी रीडिंग्स देनी पड़ती है, दिन में मुझे बहुत सारे रीडिंग्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं. यही कहना था बस कि थोड़ा पेशेंस रखो. पेशेंस ना हो तो और बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं जिनके पास आप रीडिंग करवा सकते हो. ओके, सो मैं ही नहीं हूँ ऐसे, हर एक टैरो रीडर के पास अगर ओवरबुक्ड होंगे तो थोड़ा आगे पीछे डेट्स हो सकती है, फिर भी मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प देती हूँ कि कब मिलेगा आपको अपना रीडिंग. ओके, तो कभी कभार 2-3 दिन आगे हो जाती है, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो. ओके, सो यस, लेट्स बिगिन. एरीज के साथ शुरुआत करेंगे. ओके, फिर लियो और सैज पे जंप करेंगे. ओके, ओके, सो वेलकम एरीज, हमारी फर्स्ट फायर साइन, जो कि आपका अप्रैल 2020 लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा जाएगा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम शुरू करते हैं. ओके, मैं आपकी रीडिंग अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है, मेरे को क्या एनर्जीज फील हो रही है ओवरऑल. तो देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो स्टार कार्ड आया है, तो बहुत होपफुल हो आप इस रिलेशनशिप को लेके. आप जानते हो कि कहीं ना कहीं आपके दिल में आप जानते हो कि ये जो भी टेम्पररी फेज चल रही है आपकी लाइफ में वो निकल जाएगी और एक नई शुरुआत आप कर पाओगे. आपके दिलो दिमाग में आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हो सामने वाले पर्सन पे कि वो आएंगे और यू नो देयर विल बी थिंग्स विल गेट यू बोथ विल रिकनसाइल एंड थिंग्स विल गेट बेटर बिटवीन यू. आपको लगता है कि वो पर्सन जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा उन पे ट्रस्ट है आपको, ओके, अब अभी भी कहीं ना कहीं अपने दिल में ये होप लेके बैठे हो, ये ट्रस्ट लेके बैठे हो कि हाँ, ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस आएगा और चीज़ें बेहतर होंगी हमारे बीच. ओके, और ये चीज़ गलत नहीं है.
कि स्टार कार्ड आया है, तो जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हुआ था वो पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे, चीज़ें बेहतर होंगी. ओके, बस आप जो ये होप रख रहे हैं और ये जो ट्रस्ट रख रहे हैं आपको रखना है. ओके, आपके दिल में, दिमाग में इस पर्सन के बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप इसको फैंटेसाइज करते हो चीज़ों को. ओके, और मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि आप इम्पल्सिव नहीं होते हो कि मुझे अभी के अभी चीज़ें ठीक होनी चाहिए. आप टाइम दे रहे हो सामने वाले पर्सन को और यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब राइट टाइमिंग आएगा, तो चीज़ें बेहतर होते चली जाएगी. ओके, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लग रही है कि आप स्टक हो, या तो आपके पार्टनर कहीं पे स्टक है, हो सकता है कि कोई एक्स के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो सकता है कईयों के जो मैरिड है, तो आपके पार्टनर किसी बुरी मैरिज में स्टक हैं, किसी अब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हैं. ओके, या हो सकता है आपके जो एक्स थे वो इस तरह के थे कि वो बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ झगड़ा करते थे, आपको मारते थे, पीटते थे, अब्यूज़ करते थे. तो ये तो गलत है, राइट? आपको ऐसे पर्सन के साथ वापस नहीं जाना चाहिए. मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जो कि आपको खुशी नहीं दे रही थी, या आपको दुख ही दे रही थी, आपको टाइड अप रख रही थी, आपको अपने सपनों को या अपने लाइफ को जीने का वो फ्रीडम नहीं मिल रहा था उस रिलेशनशिप में, तो अब मौका है, अब यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, आपको ऐसे पर्सन से आज़ाद करेगा. और ये आपके हाथ में है, कोई बाहर से आके आपको नहीं करने वाला है. बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके होते हैं जो उन्हें खुशी नहीं दे रही होती है. आपको ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है. ओके, मूव ऑन फ्रॉम, मूव आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप. और एक चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करने वाले हो. ओके, शायद आपने मैनिफेस्टेशन शुरू भी कर दिया है, तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रही है. ओके, डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट अ वेरी गुड पर्सन इन योर लाइफ. आपकी ओवरऑल थिंकिंग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, अभी बहुत पॉजिटिव है, और अप्रैल में कहीं ना कहीं आपको उसके रिजल्ट्स देखने मिलेंगे. मैनिफेस्टेशन करना, पॉजिटिव सोचना, ओके, चीज़ों के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहना और पॉजिटिव सोचना ही काफ़ी हो जाता है उस चीज़ को हमारे लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग पे उस चीज़ को हमारे लाइफ में लाने के लिए. सबसे पहले हमें उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना होता है. ओके, ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि कई मैरिड कपल्स, जो शादीशुदा लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अप्रैल में कहीं ना कहीं आप दोनों को ही, पति पत्नी दोनों को ही, फाइनेंशियली आप दोनों काफ़ी ज़्यादा आउटग्रो होंगे. दोनों ही अपने अपने काम में अच्छा करेंगे और फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, और उससे आपको एक लग्जरियस लाइफ जीने में आप को मदद होगी. ओके, अगर बहुत टाइम से आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि आप घूम नहीं पा रहे थे, आप कुछ मन मार रहे थे, बहुत टाइम से आपके फाइनेंशियल कंडीशंस अगर अच्छे नहीं थे, तो दोनों की ही फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो जाएगी, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी. मुझे ये भी लग रहा है सिंगल्स के लिए कि कहीं ना कहीं कोई है जो आपको लाइक करता है, जो आपके बारे में सोचता है, जो आपको, आप पे ट्रस्ट करता है, आपके लिए काफ़ी होपफुल है और अच्छी फीलिंग्स हैं उनके ओवरऑल आपके लिए. ओके, ये भी कोई यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है. ओके, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जो बहुत टाइम से चल रहा है, एक साइकिल की तरह चल रहा है, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आपके हाथ में है कि आपको उससे बाहर निकलना है. ओके, मैं किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, कुछ व्यूअर्स एरीज हो सकते हैं हमारे यहाँ पे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल इज वेटिंग फॉर यू. ओके, जिसको चेंज होना होता है वो हो जाता है, जिसको चेंज नहीं होना होता है वो नहीं ही होता है. आप होप्स मत रखो ऐसे इंसान से. जो टॉक्सिक होता है ना, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पर्सन चेंज होगा. ओके, तो उम्मीद मत रखो और अपने लाइफ को वेस्ट मत करो ऐसे इंसान के साथ रह के. मुझे ये भी बहुत सारे व्यूअर्स के लिए फील हो रहा है जो मैरिड कपल्स देख रहे हैं, कि आपके
जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ उनके साथ रिलेशनशिप बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे मुझे अप्रैल में. ओके, शायद वो आप दोनों कहीं मूव आउट करना चाहते हो, घर छोड़ के, यू नो, अपने सास ससुर का घर छोड़ के कहीं पे अपनी अपनी एक न्यूट्रल फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपके फादर इन लॉ आपके मदर इन लॉ आपको अलाउ नहीं कर रहे शायद. तो आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है एरीज. ओके, इन अप्रैल मुझे ये भी काफ़ी फील हो रहा है कि काफ़ी लोग अपने एक्स के साथ अटक गए हैं, स्टक से हो गए हैं. शायद उनके एक्स उनको ब्लैकमेल करते हो, पैशनेट हो, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सिर्फ उनकी तरफ, आपकी तरफ, और आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहते हो. ऐसा भी हो सकता है. ओके एरीज, तो ओवरऑल आपका अप्रैल अच्छा जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है. पहली बात तो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है, खुद को आज़ाद करो. दूसरी बात तो कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा पार्टनर आप मैनिफेस्ट करने वाले हो. ओके, होपफुल रहो रिलेशनशिप में, हो तो ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करना सीखो. ट्रस्ट की ट्रस्ट लैक कर रहा है कहीं ना कहीं, आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. देर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट आई कैन सी हियर. ओके, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी रिलेशनशिप में चल रही है, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, ऑन एंड ऑफ बिहेवियर दे रहे हैं, तो सब चीज़ें टाइम के साथ ठीक होंगी. ओके, अप्रैल में मुझे काफ़ी सारी एरीज के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हुई और पॉजिटिव होती हुई, चेंज होती हुई नजर आएगी. सिंगल्स के लिए आप हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी पार्टनर की खोज में हो या किसी पे क्रश है आपका, तो आपका क्रश भी शायद हो सकता है कि अप्रैल में आपकी क्लोज आए और आपकी फीलिंग्स को समझ पाए. ओके, तो अप्रैल में ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आप किसी को लाइक करते हो तो उनको प्रपोज करना. सो दिस वॉज इट फॉर एरीज. ओके, मैं और दो कार्ड्स निकालती हूँ. ओके, देखते हैं कि क्या कुछ और होने वाला है हमारे एरीज के लाइफ में. Angels give you two more cards. What is going to happen in Aries life? Love life. Just one two cards. What else is going to happen? Okay. बहुत अच्छा, दो ही cards मिले. सो येस, जैसे मैंने बोला, अगर एरीज आप मैरिड हो और आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है, आपके पार्टनर अब्यूज़ कर रहे हैं आपको, यू नो, मार रहे, पीट रहे, तो आप उन पे डिवोर्स केस अगर आपने फाइल की है या कुछ भी चल रहा है ओवरऑल, तो आपके हक में रिजल्ट आने के चांसेस हैं. ओके, डेफिनेटली फॉर मैरिड एरीज, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, डिवोर्स चल रहा था, तो आपको अभी जस्टिस मिलेगा अप्रैल में. ओके, या फिर आप जो भी करंट रिलेशनशिप में है मेरे एरीज, दो आप लोग, अगर बहुत टाइम से आपको जस्टिस नहीं मिल रही थी, आपके पार्टनर जितना इंटेंसिटी से आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो वो नहीं कर रहे थे, कुछ भी इश्यूज थी वो सॉल्व होंगी विद द स्टार कार्ड, डेफिनेटली कंफर्म होता है. द सेकेंड कार्ड हैज़ द यूनिवर्स. यस, तो आप काफ़ी टाइम से एक साइकिल में अगर अपने पार्टनर के साथ घूम रहे थे, गोल गोल गोल, वो साइकिल कहीं पे आपको स्टॉप होते हुए नज़र नहीं आ रही थी. ओके, दो सिनारियो हो सकते हैं कि आपको उस रिलेशनशिप से बाहर पड़ना था, तो अब आप बाहर पड़ोगे उस रिलेशनशिप से अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं था. यूनिवर्स हमेशा ही वो चीज़ें करती है जो हमारे लिए बेहतर होती है, ना कि वो चीज़ें जो हमको लग रहा है कि हमारे लिए बेहतर है. ओके, तो दूसरा केस हो सकता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ स्टक हो गए थे जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, तो वो क्लैरिटी देंगे और आप एक नई शुरुआत करोगे उनके साथ. ओके, सो दिस वॉज इट फॉर एरीज. अब मूव ऑन करते लियो पे. ओके, सो वेलकम माई डियर लियो, आपका अप्रैल 2020 लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा जाएगा, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. जहाँ तक कि मैंने जब कार्ड्स ले आउट कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके लाइफ में अभी एक कमिटमेंट आ सकती है अप्रैल में. ओके, बहुत टाइम से मेरे लियो वेट कर रहे थे कि उनको कोई कमिटमेंट आए, उनकी लाइफ में कोई लवर आए, कोई पार्टनर आए,
सिंगल्स के लिए, या ये अगर करंट पार्टनर है आपके तो वो आपको काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो अब इट इज़ द टाइम इन अप्रैल. ओके, अब चीज़ें बदलेंगी, नाउ द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न. जो आप कर रहे थे, जब जो पीछे पीछे उनके आप भाग रहे थे, अभी उनकी उनका मौका है कि वो आपके पीछे भागेंगे और आपको कोई कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं. बहुत सारे लियो के लिए मुझे लग रहा है कि किसी बहुत सारे लियो आपके पार्टनर मुझे लगता है कि अब आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं. हो सकता है कि वो किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप में थे, अब वो कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप वो नहीं चाहते, उन्हें बहुत दुख हुआ है, बहुत अकेले फील करते हैं, जैसे आपके साथ फील करते थे वैसे डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ फील नहीं करते थे. उन अगर ये थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के चले गए थे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिटर्न एंड विली एंड विद अ वेरी स्ट्रांग, ऑनेस्ट एंड सॉलिड कमिटमेंट, आई मस्ट से. ओके लियो, चेंज इज़ गोइंग टू हैपन, अ न्यू बिगिनिंग इज़ गोइंग टू हैपन. आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको उनको ये मौका देना है या नहीं. ओके, आपको उनसे बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस चाहिए. आप ऐसे ही नहीं मानने वाले, आप उनको पूछोगे क्यों तुमने मुझे छोड़ा, क्यों तुमने ये ऐसे साइकिल में मुझे डाला, क्यों मुझे ये रोना धोना क्यों करना पड़ा आपके लिए, क्या कमी थी मेरे में. ये सारे क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली मेरे लियो अपने पार्टनर से मांगना चाहते हैं. बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, जो आप पूछना चाहते हो आपके पार्टनर को. ओके, आप इतने टाइम से खुश नहीं थे, आप रो रहे थे, तब ये इंसान कहाँ पे थे, ये सारे क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो और फिर आप सोचोगे उनके ऑफर के बारे में. बहुत सही बात है लेकिन. ओके, क्यों बार 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 किसी पर्सन को अपनी लाइफ से इन एंड आउट होने देना है. ओके मेरे लियो जो भी देख रहे हैं, ये आप बहुत सैड थे. ओके, आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे. बहुत सारे लियो शायद अगर आप मैरिड हो तो आप एक कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप में हो. ओके, बहुत टाइम से आप इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे. वो जो रिलेशनशिप था आपको खुशी नहीं दे रहा था, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा था, आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा था, पीसफुल लाइफ नहीं हो रही थी, आप रो रहे थे, आप बहुत सारे सवाल थे आपके दिल में. अगर तो अब इस कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप से दूर जाने के आपको चांसेस ये यूनिवर्स आपको देगा. नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं लेनी है. सो डेफिनेटली अगर बहुत टाइम से आप आपके पार्टनर से चाहते थे कि वो कोई कमिटमेंट आपको ऑफर करे, नाउ इन अप्रैल डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड कमिटमेंट ऑफर इज गोइंग टू कम योर वे. कोई एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकते थे, जिनके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जिनके बारे में आप सोच रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी कि उन्होंने आपको आंसर्स नहीं दिए, बहुत एक्सप्लेनेशन बाकी थी उनकी तरफ से, तो वो सब देंगे. ओके, कटथ्रोट बातें होंगी आप दोनों में. अभी बहुत टाइम से स्टक स्टैग्नेंट था, राइट? आपका रिलेशनशिप कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, स्टक सा था, कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, तो अब क्लैरिटी अप्रैल में डेफिनेटली आपको मिलेगी. आई एम वेरी हैप्पी फॉर लियो. ये आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है. ओके, तो कृपया ऐसे कमेंट ना करें कि मून साइन के लिए है या सन साइन के लिए है. मून साइन हो सकता है, सन साइन हो सकता है. ओके, डजंट मैटर. आप रनर थे, राइट? इतने टाइम से अभी आप रनर नहीं होंगे. ओके, सॉरी, आपके पार्टनर आपको आपसे दूर भाग रहे थे और आप चेजर थे, अभी आपके पार्टनर आपको चेज करेंगे. थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर लियो. ओके, और ये आपको बहुत खुशी देगा, आपको सेटिस्फैक्शन देगी. ये जो चेंज आने वाला है ना आपके लव लाइफ में, डेफिनेटली इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट. बहुत सारे लियो मुझे लगता है कि एक नई ऑफर भी आ सकती है. अगर आप काफ़ी टाइम से अकेले हो, सिंगल हो,
किसी ने आपको छोड़ दिया था और आप सैड थे ओके कोई सिचुएशन को लेके, और आप वेट कर रहे थे कि कोई नया आपके लाइफ में आएगा, या फिर आप एक कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप में थे जिसमें आप खुश नहीं थे. ये मैं मैरिड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो करंटली किसी से इन्वॉल्व है लेकिन खुश नहीं है उनके साथ ओके कुछ इतना सीरियस नहीं चल रहा है. तो एक ऐसा ऑफर आपके लाइफ में आएगा जो बहुत सॉलिड होगा ओके मतलब ये ऐसा ऑफर होगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, डायरेक्टली शादी के लिए ही पूछेंगे ये इंसान आपको, और फिर आप इस कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे. लियो के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक नया चैप्टर ओपन होगा आपके लिए अप्रैल में लव लाइफ को लेके. बेसिकली जो भी चीज़ें पुराने तौर पे चल रही थी, जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो चीज़ें स्टक थी, मूवमेंट नहीं था कोई भी, तो अब मूवमेंट देखने मिलेगा. लेट्स सी, मैं और दो कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं और ज़्यादा क्या होने वाला है अप्रैल में लियो के लिए. डेफिनेटली आप अभी अपने सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो. आप बहुत टाइम से लड़ रहे थे इस सिचुएशन से, आप बहुत टाइम से स्टक थे इस सिचुएशन से, आप बाहर निकलना चाहते थे. अभी वो मौका आपको मिलेगा अप्रैल में ओके. जो भी आपके एक्स अगर आपके लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको जो एक्सप्लेनेशन ओ कर रहे थे, बहुत टाइम से आपके दिल में ये चीज़ें खटक रही थी ओके, तो अभी इसके एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे. वो आपको बताएंगे क्यों उन्होंने आपको हर्ट किया, क्यों वो छोड़ के चले गए, क्यों क्या सब, क्यों क्या सब कुछ, सब आंसर्स मिलेंगे ओके. ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लियो यहाँ पे बहुत इमोशनल हो आप इस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत फीलिंग्स इंटेंस है आपकी इनके लिए. क्वीन ऑफ कप्स है, अगर फीमेल्स देख रही है तो डेफिनेटली, वैसे ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल्स देख रहे हैं तो भी क्वीन ऑफ कप्स डज अप्लाई टू देम. बहुत इमोशनल हो आप उस लड़की के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो. यस, वही जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो. ये जब मैंने बोला तो आपके दिमाग में जो भी आया है उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ मैं. यू आर वेरी मच इमोशनल टू देम. आप झगड़ा तो करोगे, एक्सप्लेनेशन तो मांगोगे कि क्यों यार तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, मुझे क्यों रुलाया, मैं क्यों, मुझे क्यों इस रिलेशनशिप में रहने दिया, क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया. बट द थिंग इज कहीं ना कहीं दिल में आप बहुत प्यार करते हो उनसे ओके. सो लियो मैं बहुत हैप्पी हूँ आपके लिए, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे मोड पे आके रुकेगी ओके. सो अगर ये रेजोनेट हुई है तो नीचे बताइए मुझे यस रेजोनेट हुई है, लाइक करिए, तीन लोगों से शेयर करिए. मैं हमेशा कहती हूँ तीन लोगों से शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है आपकी फ्रेंड सर्कल में ओके. मेरे लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, उनको क्लैरिटी मिलेगी और हमारी फैमिली बढ़ेगी ओके. सो पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप और पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवाना चाहते हो तो कम टू मी ओके, नॉट कम टू मी मतलब लिटरली, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ ओके. सो दिस वॉज इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट फायर साइन, दैट इज सैजिटेरियंस. हमारे सैज के लिए लव लाइफ अप्रैल में क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है जानते हैं ओके. सो वेलकम सैज सैजिटेरियंस, अप्रैल में 2020 कैसी जाएगी आपकी लव लाइफ, लेट्स सी ओके. तो बहुत सारे सैजिटेरियंस का मुझे लगता है अप्रैल में एक तो ब्रेकअप होगा या फिर अभी रिसेंटली हुआ है जिससे आप उभर रहे हो, जिसको आप सह रहे हो. अप्रैल तक थर्ड वीक के बाद आप इससे हील कर जाओगे ओके. सैजिटेरियंस के लिए मुझे लग रहा है कि आप ना इतना ज़्यादा बैक टू बैक हर्ट हो चुके हो रिलेशनशिप्स में कि अभी कहीं ना कहीं अपने होप्स ही हार दिए हैं, बहुत सैड फील कर रहे हो. अप्रैल में मुझे लगता है कि इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे फाइनली ओके. आप अपनी फीलिंग्स को काफ़ी दिल में रखोगे ओके, दिल में रखते हो और दिल में रखोगे ओके, तो अप्रैल में शेयर कर पाओगे, ओपन अप हो पाओगे ओके.
मुझे लग रहा है बहुत सारे सजिटेरियंस आप किसी के मैसेज का वेट करो कर रहे हो जो अप्रैल में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है. ओके, मुझे तो लगता है कि मार्च के एंडिंग में ही आपको उनका मैसेज रिसीव हो जाएगा और अप्रैल से एक नई शुरुआत होगी. सजिटेरियंस आप बहुत दुखी हो, बहुत सैड हो, बहुत कुछ सहा है आपने. यहाँ पे देख रहे हो इस हार्ट में एक नहीं दो नहीं तीन स्वर्ड्स है एंड दिस इज थ्री ऑफ स्वर्ड्स. ये कार्ड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि बहुत पेन में हो, बहुत हर्ट हुए हो, बहुत सामने वाले इंसान ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है कि पूछो ही मत. इस वजह से आपने सोचा कि मैं तो अपने फीलिंग्स अब दिल में ही रखूँगी या रखूँगा और ऐसे मोड में चले गए हो. आप अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अप्रैल में शायद आप और ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाओगे, अपने पैसों पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करने पे ध्यान दोगे या फिर अपने फीलिंग्स को हील करोगे, अपने इमोशंस को ठीक करोगे. ओके, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अप्रैल मंथ में आप किसी के साथ एक होने वाले हो, फ्रॉम योर पास्ट मे बी, फ्रॉम योर आई डोंट नो, बट एक बहुत ब्यूटीफुल रीयूनियन मुझे यहाँ पे लग रहा है. रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है. अगर कोई आपके लाइफ से चला गया था जिससे आप बहुत डीपली कनेक्टेड थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत दिल से इनके साथ आप जुड़ना चाहते थे लेकिन नहीं जुड़ पाए पास्ट में, तो अप्रैल में आपका रिकन्सिलेशन होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं मेरे को. ओके, इससे बहुत खुशी मिलेगी आपको. ये आपके ट्विन फ्लेम्स होंगे. ओके, दे आर योर ट्विन फ्लेम्स सजिटेरियंस. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. आप मुझे लगता है कि बहुत सारे सजिटेरियंस आपके पार्टनर या आप बहुत स्टबर्न हो, ज़िद्दी हो, बहुत ज़्यादा ईगो में फंस जाते हो जिसके वजह से आप अपने पार्टनर से कभी ना कभी इमोशनली डिस्कनेक्ट से हो जाते हो, जो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आपको ऐसे मूड में नहीं जाना है, सिर्फ खुद के बारे में सोचना. लुक, लव रिलेशनशिप में आपको एक ये रिबेलियन के मूड में रह के कुछ नहीं मिलेगा. यू हैव टू बिकम वन विद द सोल यू लव. ओके, कंपैरिजन्स करना छोड़ दो. अप्रैल में मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की कंपैरिजन करोगे मन ही मन में या उनको बोल के भी दिखाओगे एंड दिस माइट हर्ट देम. सो डोंट डू दैट. ओके सजिटेरियंस, या आपके पार्टनर आपको किसी से कंपेयर करे तो उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा यू नो ईगो आपका बहुत ज़्यादा हर्ट हो उस वजह से. सो इफ़ दिस इज़ यू, उनका तो हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन इफ़ दिस इज़ यू डोंट डू दिस. ओके, हो सकता है कि अप्रैल में ये भी हो सकता है. रिकन्सिलेशन के तो बहुत स्ट्रांग चांसेस लग रहे हैं मेरे को, लेकिन किसी किसी केसेस में ये भी हो सकता है कि कोई आपको छोड़ के चला जाए, कोई आपको हर्ट करे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चले जिससे आपका दिल दुखे. ओके, सो दिस इज फॉर सम ऑफ द सजिटेरियंस आउट देयर. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, किसी से ना करे. ओके, सो डजंट नीड टू रेजोनेट विद एवरीवन. मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे सजिटेरियंस नाउ यू आर इन यू नो वेट ऑफ समवन न्यू इन योर लाइफ. किसी नए का इंतज़ार कर रहे हो. ओके, डेफिनेटली होने वाला है और ये जो नेक्स्ट पार्टनर होगा वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे. ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनके साथ. एक अलग ही टाइप का कनेक्शन फील करोगे. ओके, अगर आप करेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो मुझे लगता है कि आप ना आपके इनके साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं अप्रैल में. ओके, आपके पार्टनर के साथ प्यार तो रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस, कंपैरिजंस, पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, पैसों को ज़्यादा तवज्जो देना रिलेशनशिप के बजाय, ये भी हो सकता है करंट पार्टनर के साथ उसके वजह से. एंड व्हाट्स द रिजल्ट? ओके, यही होने वाला है. अगर आप ईगो क्लैशेस करोगे, आप कंपैरिजंस करोगे, आप पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, आप आर्ग्यूमेंट्स करोगे, तो आफ्टर ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन. इट इज़ फॉर श्योर कि हाँ, दिल दुखेगा किसी एक का. सो सजिटेरियंस, इससे बचे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट और ऐसे मोड में रहे ना रहे तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है आपका रिलेशनशिप. डोंट स्पॉइल इट. द वन यू आर विथ करेंटली, अगर आप उनके साथ हो और सिर्फ आप देख रहे हो ये रीडिंग के क्या होगा, तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है. बस उसको चमक धमक की चीज़ों के लिए आप फालतू अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत करो, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. ओके, सो लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स फॉर सजिटेरियंस. के मंथ ऑफ अप्रैल
आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा जाएगा? आई वॉन्ट टू कार्ड्स एंजल्स, प्लीज गिव मी टू कार्ड्स. यस. डिसअपॉइंटमेंट, फाइव ऑफ कप्स. ओके, तो बहुत सारे सजिटेरियंस का दिल दुखने वाला है, दिल टूटने वाला है. कुछ सच्चाई आएगी सामने जिसके वजह से आप ऐसे फील करोगे. ओके, या आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ईगो क्लैशेस होंगे आपके पार्टनर के साथ और आप बहुत सैड होंगे. डेफिनेटली कुछ तो झगड़ा होने वाला है. ओके, ये मुझे डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स लग रहे हैं. आपके पार्टनर शायद कुछ बोल दे या आप बोल दो उनको, फिर झगड़ा हो जाए. कम्युनिकेशन की वजह से ज़्यादातर होने वाली है बात. आपकी बात उनके दिल को लग जाएगी, उनकी बात आपके दिल को लग जाएगी. इज वॉट्स गोइंग टू हैपन इन सच अप्रैल. तो थोड़ा सा अपने ज़बान पे लगाम लगाइए अगर ये आप हो तो. आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो प्यारी प्यारी बातें करिए यार. आई लव यू बोलिए, आई लव यू जान, आई मिस यू जान, ऐसा बोलिए ना. क्यों खामो खा झगड़े क्यों कर रहे हो? जो है अच्छे से सॉर्ट आउट करो यार. लिटरेट पीपल हो, राइट? तो नो नीड ऑफ सच आर्ग्यूमेंट्स. वर्बल तो बिल्कुल ना करो. ओके, गुस्सा रहने का, झगड़ा करने का तरीका अलग भी तो हो सकता है. प्यार से समझाओ यार एक दूसरे को. लेट्स सी, मुझे और कुछ फील होता है क्या सजिटेरियंस के लिए. डेफिनेटली आपको बचना है, लेकिन आर्ग्यूमेंट करने से डेफिनेटली बचना है. मेरे सजिटेरियंस जो भी देख रहे हैं, प्लीज़, अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई अच्छा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइफ में आएगा आपके. ओके, सीधे सीधे मुंह पे बोलने वाला, जिसके वजह से आप कभी कभी हर्ट भी हो सकते हो. अच्छा पार्टनर है ओवरऑल, लेकिन सजिटेरियंस आप बहुत ज़्यादा, ईगो आपका बहुत बढ़ गया है. उसको थोड़ा सा संभालिए. वैसे ही फायर साइन है आपकी, तो कंट्रोल करो थोड़ा सा. ओके, लव में नहीं चलता ये सब, लव में सिर्फ दिल की बात चलती है. ओके सजिटेरियंस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. ओके, लास्ट हमारा रह गया है एयर साइन, सॉरी या एयर साइंस रह गए हैं, तो एयर साइंस का देखेंगे अगले वीडियो में. ओके सो लव यू गाइस. अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि हाँ रेजोनेट हुई थी. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. लव यू गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. कोरोना चल रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड रखिए. सोशलाइज ना करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए. कहीं बाहर ना जाए, स्पेशली कल इंडिया में हमारे यहाँ पे तो जनता कर्फ्यू है, तो प्लीज़ उसका पार्ट बनिए. ओके, एक हम अब हमेशा से ही चाहते हो ना अपने देश के लिए कुछ करना, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करना, तो ये करो. ये आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा. व्हाट इफ यू गो आउट एंड इन्फेक्ट योर सेल्फ एंड देन यू कम होम और आप अपने फैमिली को भी इन्फेक्ट कर दो, नहीं है ना अच्छा? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए. ओके, अच्छा खाइए, कल आराम कीजिए, सब लोग घर पे, कहीं बाहर ना जाना बेहतर होगा. ओके, तो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने सोसाइटी के लिए और ओवरऑल हमारे इंडिया के लिए प्लीज़ ये करिए. ओके सो लव यू ऑल गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. मिलते हैं कल. ओके, नए वीडियो के साथ. मैं कल दो वीडियोस डालूंगी, एक एयर साइंस के लिए होगा अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन और पिक अ कार्ड भी होगा. ओके सो पिक अ कार्ड के लिए मैं पोल डालूंगी रात को आज, तो प्लीज़ आप वोट करिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं कल. ओके एंड हाँ, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग्स अब तक नहीं लिए, करना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी है, मुझे मैसेज करिए. ओके सो सी यू गाइज, लव यू.